हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट इंडियन फोटोग्राफर। आज हम बात करेंगे जूम लेंसेज और प्राइम लेंसेज के बारे में और हम उनकी खूबियों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जूम लेंसेज को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने एक नाइकॉन का 18-55 mm जूम लेंस रखा हुआ है। तो जैसे कि नाम से ही हमें समझ आता है कि जूम लेंस, इसका मतलब होता है ये लेंस एक वेरिएबल फोकल लेंथ का होता है। मतलब आप इसमें वाइड शॉट और जूम करके एक क्लोज शॉट दोनों ले सकते हैं। जूम लेंसेज बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक वाइड एंगल जूम्स होते हैं, एक टेलीफोटो जूम्स होते हैं, एक नॉर्मल डे टू डे जूम्स होते हैं। इन सब का अलग अलग जगह एप्लीकेशन है। लॉन्ग टेलीफोटो जूम्स का जैसे हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में देख सकते हैं, वाइड एंगल जूम्स का हम देख सकते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी में, और रेगुलर जो जूम्स होते हैं जो डे टू डे जूम्स हैं जैसे कि नाइकॉन का 18-55 mm जूम है, ये हम एवरीडे फोटोग्राफी में जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी तो उसमें हम इस लेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइकॉन का 24-70 mm जूम लेंस है रखा हुआ है, और ये एक हाई एंड जूम लेंस है। ये एक्चुअली एक प्रोफेशनल लेंस है और ये जनरली दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं प्राइम लेंसेज पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइकॉन का 50 mm प्राइम लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो फिक्स है, वो 50 mm है। वो आप 50 से बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो लेंसेज हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि ये वेरिएबल फोकल लेंथ में नहीं जाएगा। मतलब ये इसकी जो फोकल लेंथ है वो वेरी नहीं करेगी, तो इसलिए हम इनको प्राइम लेंसेज बोलते हैं और कभी कभार ब्लॉक लेंसेज भी बोला जाता है। यहाँ पे आप एक और लेंस देख सकते हैं जो कि है नाइकॉन का 105 mm लेंस। ये एक मैक्रो लेंस है और ये मैक्रो फोटोग्राफी में यूज होता है, जिसमें कि आप बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके मैग्नीफाई करके उसका फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि प्राइम लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है जूम लेंसेज से ज़्यादा शार्प इमेज प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सेम प्राइस रेंज में एक प्राइम लेंस और एक जूम लेंस को कंपेयर करें तो 95% पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइम लेंस ज़्यादा शार्प होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं प्राइम लेंस और जूम लेंस के मेन डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो जैसे कि अब हम प्राइम लेंस और जूम लेंस के बारे में समझ गए हैं दोनों क्या होते हैं, अब हम दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर देख लेते हैं। देखिए, जूम लेंस वर्सेटाइल होते हैं, इनमें वेरिएबल फोकल लेंथ होती है जैसे कि 18-55, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइम लेंस नहीं लेने पड़ेंगे। वही अगर आप प्राइम लेंसेज में देखें तो वो उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, तो अगर आपके पास 50 mm का लेंस है तो वो आपके पास 50 ही है, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। जबकि आपका जूम लेंस अगर 18-55 mm लेंस है तो 18 से लेके 55 mm की फोकल लेंथ तक आप किसी भी फोकल लेंथ पे उस लेंस से आप खींच सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो फ़र्क है दोनों में, वो है कि जूम लेंस पोर्टेबल होता है। एक ही जूम लेंस आपको इतनी बड़ी रेंज देता है जैसे 18-55, 24-70, तो आपको बहुत सारे प्राइम लेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक या दो जूम अपने बैग में डालिए और आप फ़ोटो खींचने जा सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी फोकल लेंथ आप कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास एक 70-200 और एक 24-70 लेंस है, तो आप 24-200 की फोकल लेंथ में आप सब फोकल लेंस पे फ़ोटो खींच सकते हैं और पूरी रेंज है आपके पास। थर्ड चीज़ जो है कि जूम लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन, ये बहुत देखने को मिलता है। प्राइम लेंसेज में जनरली इमेज स्टेबलाइजेशन होता नहीं है, वो होता है लेकिन लॉन्ग लेंसेज में होता है, जो 100 mm और 135 mm, 200 mm के जो प्राइम लेंसेज हैं, और 400 mm, 500 mm के जो एक्स्ट्रा लॉन्ग प्राइम लेंसेज होते हैं उसमें होता है। लेकिन शॉर्ट प्राइम लेंसेज जो होते हैं, जो छोटे फोकल लेंथ के होते हैं, उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता। जबकि जूम लेंसेज में क्योंकि एक वाइड रेंज होती है, एक बड़ी रेंज होती है, जैसे 18-200 mm का भी नाइकॉन का एक लेंस आता है, तो उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन होता है, और इमेज स्टेबलाइजेशन आप देख लीजिए करीब करीब हर जूम लेंस में होता है। तो ये हो गई जूम लेंसेज की बात है। अब हम देखते हैं कि प्राइम लेंसेज में क्या अंतर है जूम लेंसेज के मुकाबले। तो सबसे बड़ी बात है, पहली चीज़, कॉस्ट। प्राइम लेंसेज जूम लेंसेज से रिलेटिवली सस्ते आते हैं, क्योंकि इसमें अंदर में लेंस कम लगाने पड़ते हैं, इसके लेंस के कंस्ट्रक्शन एक अलग होता है, इसमें ज़्यादा लेंस नहीं लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम हो जाती है।
दूसरी बात है साइज़ और वेट। प्राइम लेंसेज जनरली जूम लेंसेज से छोटे होते हैं, क्योंकि जूम लेंसेज में जैसे आपने देखा होगा अगर आप उसको जूम करें तो उसका जो बैरल होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन प्राइम लेंसेज में क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं जूम करने के लिए तो वो फिक्स रहते हैं, उसका जो साइज़ है वो फिक्स रहता है। और क्योंकि प्राइम लेंसेज में लेंसेज कम होते हैं रिलेटिवली जूम लेंसेज के, तो उसका वज़न भी कम होता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग फैक्टर। अगर आप प्राइम लेंसेज लेंगे तो आपके पास जूम तो होगा नहीं, तो आप हमेशा अगर आपको जूम करना है या फ्रेम में किसी चीज़ को पूरी तरीके से लेना है तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो इससे ये होता है कि हम फ्रेमिंग में बहुत अच्छे हो जाते हैं और फ्रेमिंग हमको आ जाती है। फ्रेमिंग जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसमें बहुत से रूल्स भी होते हैं जो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, जैसे रूल ऑफ 1/3 होता है। तो लर्निंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइम लेंस अगर आप लेंगे, अगर आप अपना पहला DSLR ले रहे हैं तो प्राइम लेंस ही लें, जिससे कि आप अच्छे से फोटोग्राफी को समझ सकें और अच्छे अच्छे फ़ोटो ले सकें। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है दोनों में, वो है लो लाइट कैपेबिलिटी। अगर आप जनरली प्राइम लेंसेज को देखें तो वो बहुत बड़े एपरेचर तक जाते हैं, एपरेचर 1.4, 1.8, 2.8, तो इसका मतलब होता है कि वो लो लाइट में बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, क्योंकि उनमें एपरेचर बहुत बड़ा होता है तो इसलिए वो लाइट ज़्यादा अपने अंदर ले सकते हैं, और वो कम लाइट में भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। जैसे कि नाइट फोटोग्राफी में प्राइम लेंसेज बहुत अच्छे होते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम होती है क्योंकि एपरेचर बहुत बड़ा होता है इसमें, और बाकी बहुत सी चीज़ें जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे प्राइम लेंसेज के बारे में। तो देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्राइम लेंसेज के बारे में जो जूम लेंसेज के ऊपर होते हैं, और ओवरऑल आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि प्राइम लेंस और जूम लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको जूम लेंस और प्राइम लेंस समझने में कुछ मदद मिली हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए अलविदा।